नमस्कार मो सुसन्ना प्रिय दर्शक बंधु जीवंत तो आहार को पुनर्बार आपण मानक स्वागत जनाए आसतु आज ध्यान निम्ते पवित्र शास्त्र बाइबल रु द्वितीय सामुएल सात पर्व अठर पदर अणतीश पद जाए आंभे माने पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग ईश्वरंक महान सफलता। एथिरे दाऊद राजा भीतर को जाई सदाप्रभु सम्मुखरे बसिले ओ कहिले हे प्रभु सदाप्रभु मु किए ओ मोर वंश बा कौन जे तुम्भे मते ए पर्यंत आनीअछ। तथापि हे प्रभु सदाप्रभु तुम्भ दृष्टिरे एही क्षुद्र विषय हेला एहेतु तुम्भे अपना दासर वंश विषय आगत दीर्घकालर कथा मध्य कहिअछ। हे प्रभु सदाप्रभु यह कौन मनुष्यर व्यवस्था एणु दाऊद तुम्भकु आउ कौन कहिपारे कारण हे प्रभु सदाप्रभु तुम्भे आपणा दासकु जानुअछ। तुम्भे निज वाक्य सकाशु ओ निज हृदय अनुसारे आपणा दासकु जणाइबा निमन्ते एही सबु महिमा प्रस्तुत करिअछ। एहेतु हे सदाप्रभु परमेश्वर तुम्भे महान कारण तुम्भ तुल्य आउ केही नाही। किबा आंभे माने निज कर्णरे जहाँ शुणीअु तदनुसारे तुम्भ छड़ा आउ परमेश्वर केही नाही। किबा आंभे माने निज कर्णरे जहाँ शुणीअु तदनुसारे तुम्भ छड़ा आउ परमेश्वर केही नाही। तुम्भ लोक इस्राएल तुल्य पृथ्वी रे आउ केऊ गोष्ठी अछि सेमानंकु आपणा उद्देश्य रे एक लोक रूपे मुक्त करिबाकु ओ आपणा नाम करिबाकु पुणि मिसररु नाना गोष्ठी ओ सेमानंको देवगण ठारु तुम्भ उद्देश्य रे मुक्त तुम्भ से ही लोकमानंको सम्मुखरे सेमानंको पाई महत कर्म ओ तुम्भ देश पाई भयानक कर्म करिबाकु परमेश्वर आगमन करिथिले। पुणि तुम्भे अनंत काल जाए आपणा उद्देश्य रे एक लोक करिबा निमन्ते आपणा लोक इस्राएल को आपणा पाई स्थायी करिअछ। आउ हे सदाप्रभु तुम्भे सेमानंकर परमेश्वर होइअछ। एबे हे सदाप्रभु परमेश्वर तुम्भे आपणा दास विषय रे ओ ताहार वंश विषय रे जेऊ वाक्य कहिअछ ताहा अनंत काल पर्यंत दृढ़ कर ओ जेपरी कहिअछ सेपरी कर। पुणि सैन्याधिपति सदाप्रभु इस्राएलर परमेश्वर अटंती ओ तुम्भ दास दाऊदर वंश तुम्भ सम्मुखरे स्थायी हेब एही कथा द्वारा तुम्भ नाम अनंत काल महत हेउ कारण हे सैन्याधिपति सदाप्रभु इस्राएलर परमेश्वर मु तुम्भ पाई एक वंश स्थापन करिबि बोली तुम्भे आपणा दासर कर्णगोचर करिअछ। एहेतु तुम्भ निकटरे एही प्रार्थना करिबा पाई तुम्भर दास साहस पाइला। आउ एबे हे प्रभु सदाप्रभु तुम्भे ही परमेश्वर ओ तुम्भर वाक्य सत्य पुणि तुम्भे आपणा दास प्रति एही मंगल प्रतिज्ञा करिअछ। एहेतु जेपरी तुम्भ दासर वंश तुम्भ सम्मुखरे अनंत काल विद्यमान रहिबो एथिपाई अनुग्रह करी ताकु आशीर्वाद कर कारण हे प्रभु सदाप्रभु तुम्भे आपे एहा कहिअछ एणु तुम्भ दासर वंश तुम्भ आशीर्वादरे अनंत काल आशीर्वादयुक्त हेउ। आसंतु आंभे माने आजिर एही ध्यानर अंशकु बुझिबा निमन्ते चेष्टा करू। दाऊद जहांकु ईश्वर एक निम्न मेषपाल करु जणे राजा भावरे उन्नत कले तांकु ओ तांक परिवारकु चिरदिन पई महान आशीर्वाद देले। फळरे दाऊद ईश्वरंकु धन्यवाद जणाई एही प्रतिज्ञा पालन करिबाकु ईश्वरंकु अनुरोध कले कारण ईश्वर तांक लोकमानंक प्रति ओ तांक राज्य प्रति आग्रही थिले। एणु ईश्वर दाऊदंकु आशीर्वाद कले जेपरि से तांक शासन द्वारा इस्राएलकु आशीर्वाद करिपारिबे। एणु से आशा कले लोकमाने विश्वास ओ स्वीकार करिबे जे केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएलर उपरे परमेश्वर अटंती जहाँकि आम अठर पदर अणतीश पद मध्य पाठ करिअछु। आज अंशरे ईश्वर आपणा को कि प्रकार प्रकाश करती आसतु आंभे माने ताहा देखु। 22 पदर 24 पद मध्य देखुअ ईश्वर व्यक्तिगत भावरे
ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ କିଣାନ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରେମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୈତାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏହି ପାଠରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଶିଖୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ବିଷୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ। 18 ପଦରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ କୃତଜ୍ଞ ନୁହୁଁ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ପିତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁକୁ ମନେ ପକାଇ ଯେପରି ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧୁମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।